वाला है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। 5:30 हो चुके हैं तो लेट हो गए आज। हाँ, ज्यादा लेट हो गए। प्रसाद बना रहे हो सबसे पहले? हाँ जी, बस शुरू हो गया प्रसाद बनाना। आप मंदिर का कर लो, मैं प्रसाद बना लेती हूँ। तो मंदिर में तैयारी हो चुकी है पूजा की और फटाफट अब जोत जलाते हैं। जय माता दी। प्रसाद बन चुका है। मैं सिर्फ काजू डालना पसंद करता हूँ के अंदर। आपने कहा था काजू डालने के लिए। क्या क्या बन रहे हैं? छोले, हलवा, पूड़ी और सफ़ेद छोले। अच्छा, व्हाइट छोले और ब्लैक छोले दोनों बनेंगे? ब्लैक व्हाइट छोले भगोदी थे। हाँ जी, भगोदी है। बस अभी ये कुकर खाली करके उस पर सीटी लगा दो। तड़का लगाना है उस पर? वही बर्थ वाला सारा सामान डाल देना। चलो, नमक डाल के मैं अब सीटी लगाती हूँ, आप तड़का लगा देना। हरी मिर्च अदरक वगैरह डाल के फटाफट पूजा करें। पहले व्हाइट छोले को तड़का लग रहा है टमाटर की ग्रेवी के साथ। टमाटर को भून लिया है, स्पाइसेस डाल दिए सारे और छोले हैं व्हाइट इसमें। और ये भैया ब्लैक छोले डॉली बना चुके हैं। ब्लैक छोले बन गए हैं, हलवा बन गया है। टमाटर अच्छे तरीके से भून चुका है और इसके अंदर भैया डालेंगे व्हाइट वाले छोले और ऊपर से तड़का लगाएंगे देसी घी में, हिंग कसूरी मेथी और देगी मिर्च का। व्हाइट छोले, मोटी इलायची, छोटे इलायची आपने डाल के डॉली में भूनी है तो और ये बढ़िया से हो गए हैं। अब इसमें जाएगा तड़का, मैंने डाल दिया है। अब इसको करेंगे मिक्स बढ़िया से। छोले हमारे हो चुके हैं बढ़िया से। अब इसके ऊपर से जाएगा तड़का देसी की कसूरी मेथी और वाइट तड़का लगा दिया है कसूरी मेथी का और देगी मिर्च का। अब बढ़िया सी रंगत आ गई है व्हाइट छोलों में। भाई निकाल दिया इसका? हाँ, नया निकाल दिया। अच्छा लग रहा है ना ये वाला। तो गाइस, ये काकू के लिए मैं लेकर आया था। आज कंज के यहाँ कहते मेरे पास नए कपड़े ही नहीं डालने के लिए, मैं कल ले ले आया। ये लो जी नया कपड़ा, इसको पता ही नहीं है ना, इसलिए ये लो। पता ही नहीं है। जारा अंकल का है। ये लो जारा अंकल को पहनो। जोत चल चुकी है, बस भोग के लिए सारा सामान मैंने मंदिर में रख दिया। पहले सबसे पहले कंजकों का सामान हम मंदिर में रख देते हैं। ये डिबियाँ रख दी हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी चीज़ें रख दी हैं। बस कंजकों को सामान देना पड़ेगा। बस यार, कंजके मिल ही नहीं रही, बहुत मुश्किल हो रही है कंजके ढूंढने में। छोटी सी तुबा आ गई है, ये भी तुबा है। अच्छा लग रहा है, दिखाइयो। लग रही है तुबा, ऊपर देखो, ये देखो तुबा। हाय, हेलो कर दो, हेलो कर दो। बच्चे को लग रही है भूख और बड़ा बड़ा खाना स्टार्ट कर दिया इसने। चलो भी, सबको मिल गया गिफ्ट। जोर से बोलो जय माता दी। वाह, नई लड़कों को नहीं पहनना, सुंदर सुंदर कन्याओं को पहनना। बच्चों को लेने के लिए लगा, देखो सब जने खड़े हुए हैं यहाँ पर बच्चों को लेने के लिए। अब कहते भी ना, सारी कंजके शुक्र है आ गई थी और 9 कंजके हो गई थी हमारी और बच्चे भी हो गए थे, कंजके हो गई हैं। बस अब भोग लगाते हैं फटाफट और उसके बाद शॉप पे जाने की तैयारी। छोले वाला प्रसाद क्या मस्त बना है। बंटवारा हो रहा है पैसों का। 20 रुपए इसको दे दीदी है, 50 में लेने का 20 रुपए आप ले आए। 50 रुपए मैंने दिए हैं इसको। 50 रुपए भाई को दे दिया ना, आधा कर लिया था। मैंने 100 का नोट रखा भाई को, इसने एक्स्ट्रा 20 रुपए लिया मेरे से। अच्छा, दे दो लालची, देख के देख देख के। अभी क्या वो सामान कम पड़ गया? हाँ, सामान अभी लाना है आपको, पता ही हमेशा क्यों भाई, बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पहले आए नहीं थे कंज के, बाद में सारे। चलो हो गया सही ढंग से सारी चीजें, बहुत अच्छा हो गया। भगवान की दया से हमेशा बरकत के साथ होती है हमारी। इसको बंटवारा चल रहा मैं। बाकी वैसे मेरे पास देख के काकू कहते दे दो मम्मा, दे दो लालची। मैं फटाफट जा रहा हूँ, मैं शॉप पे जा रहा हूँ भाई। अब है शॉप के आगे, उन्होंने आतंक मचा रखा होगा, सारा खाना खुना कूड़ा वूड़ा सब फेंका होगा। देखियो मंदिर के सामने, देख लेना भाई, बोल के कोई। मैं आया था मार्केट के अंदर और आ गई यहाँ पर, कमेटी आ गई है, सब खाली कर दिया यहाँ पर, पूरा रोड खाली कर दिया है। सामान थोड़ा सा कम पड़ गया, कर लिया भैया शॉप पे, अब खजाने की तैयारी है। क्लिप कम पड़ गए थे ये लेकर आया हूँ और कमेटी आई हुई थी, सारा उथल पुथल करके चले गए। मैंने भी बोर्ड अंदर रखा हुआ है, सामान सारा अंदर रखा हुआ, नहीं तो उठा के। रावण भैया हर जगह इतना बड़ा रावण है, इसका एक ढांचा वो पड़ा, एक ढांचा वो पड़ा हुआ है, सब ने मिल के बनाया बच्चों ने। चलो बढ़िया यार, अच्छी बात है। कब कब कल कल जलेगा? ठीक, मैं घर पर आया हूँ,
और भाई लगे हुए हैं सब, ये तोहफे आए हुए हैं, गिफ्ट आए हुए हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया। और बढ़िया मस्त मस्त तोहफे लेके आए हैं बच्चों के लिए, काकू की बुआ लेकर आई है। और नया बिजनेस स्टार्ट किया है, हैंडमेड, क्या चीज़ है ये? कैंडल, हैंडमेड कैंडल है और बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास है। और ऑर्डर आप कर सकते हो भाई, एकदम फ्रेगनेंस आ रही है, बहुत बढ़िया। जैसे मैं कुछ बाहर से आया हूँ ना, मुझे लगा मैं फ्रेगनेंस आ रही है। अच्छा, ये आपका आपके लिए सेट है, सोनिया भाभी जी के लिए, सबके लिए आया है, सबके, ललिता भाभी, निक्की के लिए, सबके लिए, सबके लिए गिफ्ट आए हैं भाई, बढ़िया। तो गाइस आप भी प्यार दिखाना, मतलब भर भर के प्यार दिखाना, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और इंस्टाग्राम आईडी पे है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ये हैंडमेड कैंडल है, मतलब घर में बनी हुई है, फ्रेगनेंस वाली है और रेट भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है। और प्रीति एक बार बेटे बता दो अपना इंस्टाग्राम पे, और आपको कुछ भी ऑर्डर करना है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो और मैं बाकी फिर वहाँ से हम आगे फर्दर बात कर सकते हैं कि क्या ऑर्डर है। चाहे आपको सिंगल ऑर्डर देना हो किसी एक पीस का, या आपको बल्क ऑर्डर देना हो, आपके घर पर डिलीवर होगा सब कुछ और एकदम रीजनेबल प्राइस पे। सेंटेड कैंडल, अनसेंटेड कैंडल आप कस्टमाइज कर सकते हो कि ये सपोज रोज फ्रेग्रेंस नहीं, आपको कोई और फ्रेग्रेंस चाहिए, आप अपने हिसाब से सब कैंडल्स कस्टमाइज कर सकते हो, कलर कस्टमाइज कर सकते हो, फ्रेग्रेंस कौन सा आपको कंटेनर चाहिए, मोल्ड कैंडल चाहिए, हर कैंडल अवेलेबल है हमारे पास। और सब कैंडल्स मैं खुद अपने हाथ से पर्सनली बनाती हूँ और एकदम आपको इंस्टाग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज जाना और ऑर्डर जरूर करना। ये देखो ना, जैसे ये छोटा सा है, कितना प्यारा लग रहा है, छोटी सी कैंडल है बिल्कुल। और ये दिवाली आने वाली है, गिफ्ट तो भैया बनते ही हैं देने के लिए। और ये देखो सब अलग अलग तरीके के हैं, सारी बहुत प्यारी, सुंदर सी लग रही है, अच्छी इनकी फिटनेस आ रही है। ये देखिए कंटेनर जो काकू ने पकड़ा हुआ, ये कंटेनर बहुत प्यारा है, काकू का तो दिल लुभा गया इसी में, अच्छा लग रहा है, प्रेगनेंस ले रहा है ये, अच्छा लग रहा है। एंट्री करते एकदम फ्रेगनेंस आ रही है, ये फ्रेगनेंस काफी देर तक रहेगी इसकी। आप जलाओगे, जब तक जलाओगे नहीं, अगर नहीं भी जलाओगे ना, छह महीने भी रखे रखोगे ना इसको, बिना जलाए इसकी खुशबू, मतलब अच्छा जी, सजा भी सकते, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी डेकोरेटिव। डॉली एक बार ये खोल के दिखाना यार, एक पीस खोल के दिखा दो, अपने वाले खोल के दिखा दो, ये वाले ये खोल के दिखा रही, ये खोल फेवरेट वाला खोल के दिखा दो। तो गाइस ये काकू का कोट सेट भैया जारा अंकल का है, मतलब है कॉपी, मगर कपड़ा अच्छा ना ये वाला, जो सबको ये छुपा के रखा होता, मैं लेकर आया था, दीदी को दे दे, बुआ को दे दे, सॉरी। ये देखियो, दिखाइए जरा, ये मैं लेकर आया था, नहीं अच्छा रखा हुआ था, मैंने कहा है ज़ारा ओरिजिनल है, मगर कॉपी है, ओरिजिनल जैसे है बिल्कुल एकदम, कपड़ा बड़ा अच्छा था ऑफिस का। राम से बाबू, राम से खींच दे ऊपर, वाओ दिखाओ जरा, अच्छा ओपन होगा ये तो गाइस, कैंडल ओपन होगी, ओए होए दिखाइए जरा, दिखाइए इधर, नीचे रखना, नीचे रखना, कितना प्यारा है, शंख है ये देखो, वाह यार कंटेनर के अंदर ये इसकी कैंडल की वो है, कितने प्यारा लग रहा है ये ना, सारे अलग अलग है, छोटा कटोरी वाला भी सारे भैया, बहुत सुंदर है। तो गाइस फटाफट जाओ ऑर्डर दे दो भैया, और इंस्टाग्राम पेज पे, और मतलब इसको मतलब आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्रीति को नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ बच्चे को ना थोड़ा सा क्या कर दें, सपोर्ट कीजिए, भर भर के गाइस, बहुत ज़्यादा ग्रीन चटनी थोड़ी सी डालना है, ठीक है ना, एक साइड डालना, एक साइड लपेट रहे बेटा गोलगप्पे, बड़े दिनों बाद मैं दही वाले भी ले आया हूँ, दूसरे भी ले आया हूँ, दोनों ले आया हूँ, ये सातों को ज्यादा पसंद है।
मम्मी का बता आज फास्ट थोड़ा हुई है तूने सुबह तोड़ दी था हलवा पूरी से। अरे असली वाला तो अब टूटा है। नहीं बाहर जाके टूटेगा ना। नहीं मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भैया अच्छे से गोलगप्पे बनाना, उन्होंने फास्ट तोड़ना है। पिछली बार रखने से पहले जो खाया था वो मजेदार नहीं था। ये तो सही है, ये बहुत अच्छी। दही वाले भी हैं, दूसरे दोनों ले आया था मैं। तो मैं हाँ वो भी आदतें लग रहे हैं। यहाँ तो यहीं से यादव से लेके आया हूँ जो है ना, टेस्टी है, बहुत अच्छी है। सही है, चलो ठीक है। और मेरा खाना हो गया खत्म। खाने में बनाया क्या वैसे? एक्चुअली मैं दो देख सुबह भी पूड़ियाँ खाई थी, नाश्ते में दोपहर को भी पूड़ियाँ खाई थी। अब तो मैं खाने पूड़ियाँ और सबके घरों से आ जाती है, भाभियों के घरों से। तो मैं क्या करूँ, सोने भाभी, निक्की, ललता भाभी, हमारे चार पांच जनों के पास। इतनी यार अलग अलग वो बनाया करे ना, सभी अलग अलग बनाते हैं ना अपने। हमें सबके घरों में माता रानी की पूजा तो करेंगे। नहीं एक दो पुड़िया बना ले फिर सब चीजें अलग अलग। नहीं होती, दो दो करके सब बच्चे है ना, हमारे लड़के तो उनकी लड़कियां भी है ना, फिर सबको देना होता है। लंकड़े क्या ना, माता रानी, वो सबको देना ही है ना फिर। अब तू क्या बना रही है सारी बातें? मैं कुछ नहीं बना रही, सफेद छोले बनाए होते उसके साथ चावल बना। चावल खाएंगे? चावल हाँ हाँ, ये बना दे चावल। सही है, अच्छी चीज बना रही हूँ। दही खाओ साथ में और क्या ना क्या, प्लीज सब खाइए। मैं तो कुछ खाई नहीं। ये खा ले, भरा हुआ गोलगप्पा दिखाना तो चम्मच में। मैंने उसका मसाला भरा चम्मच में डाल के, चम्मच में डाल के दिखाओ, चम्मच में डाल के दिखा। रख लिया ना, खा लो ये बड़ी जल्दी। पूरा गोलगप्पा डाल के दिखा दे, 500 500 रुपए दूंगा पक्का। है लालची बोलोगे पूरा, एक एक ही बारी में जाएगा। 500 रुपए दे रहा हूँ, 500 रुपए। ये देख, ये 500 रुपए गाइस अभी दे रहा हूँ इसको मैं। एक बारी में अंदर जाने, बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकल, ओए निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया। तेरा मुनीम देख पैसे गिन रहे तेरे। 500 है पूरे खुले, देख ले। क्यों 250 दे रहे भाई, मम्मी को दे दे। अरे रख ले जोड़ के, मुझे बहुत बढ़िया सा अभी मस्त सा सूट लेना है करवा चौथ का। छोड़ दे सकते हो आपकी इच्छा। गोल्ड दे चुका हूँ, डायमंड भी दे चुका हूँ। दे चुके थे हाँ। वो पहले या बहुत दिनों से नहीं दिया, तो दे सकते हो। आपको कोई मना नहीं है, कुछ भी देने को। चावल बुला रहे हैं, फटाफट बुला। गाइस बिना जीरे वाले राइस बन गए हैं भैया, ठीक है। और अब फटाफट दो। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। भाई अब बस डिनर करते हैं और आराम करते हैं, क्योंकि सुबह में उठे हुए हैं बहुत सुबह से, बहुत जल्दी जल्दी लेट। अभी तक एक मिनट बैठ के भी नहीं देखा। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बाय, गुड नाइट गाइस।